सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। समय के रथ के पहिए का घरघर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन, और जनता के शासन में भले ही कितनी कमियां हों, कितनी खामियां हों, लेकिन एक बात से सारे लोग सहमत हैं कि हमारी एक उंगली के थिरकन से यहाँ सरकारें पलटती हैं हमारे वोट से। और लोकतंत्र में चुनाव एक पर्व है, हम भी इस लोकतंत्र के पर्व में बड़े ही उल्लास के साथ वोटिंग करने जाते हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब हमारे पास वोटर आईडी नहीं होती, या फिर पोलिंग बूथ पर जाने पर पता लगता है कि हमारा तो वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन अपना वोटर आईडी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवा सकते हैं। और ऑनलाइन वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवाने का या वोटर आईडी बनवाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके पास उसकी एक ऑनलाइन रिसिप्ट होती है जिसका आप ऑनलाइन ट्रैकिंग कर सकते हैं। जिस बीएलओ के पास आप ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं, कई बार बीएलओ की लापरवाही से वो फॉर्म हो सकता है नहीं सबमिट हो पाता या विलंब से सबमिट होता है। लेकिन यहाँ ऑनलाइन में से बड़ी विशेषता यह है कि जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करते हैं उसकी एक ट्रैकिंग आईडी जनरेट हो जाती है, और उस फॉर्म की डिटेल जिस बीएलओ के अंडर में फॉर्म है उसके पेंडिंग फॉर्म की इंफॉर्मेशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लेकर के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर सारे लोगों तक होती है। ऐसे में ऑनलाइन आवेदन न सिर्फ निःशुल्क है, आसान है, सटीक है और काफी कुछ मददगार है। तो आइए हम देख लेते हैं कैसे ऑनलाइन फॉर्म की प्रोसेस। जय हिंद, मेरा नाम है विधु भूषण और आप देख रहे हैं दिखकर इंडिया लाइव। इससे पहले कि वीडियो को शुरू करें आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को पूरा देखें, कहीं ऐसा न हो कि इस वीडियो को स्किप करने के चक्कर में कोई जरूरी स्टेप मिस कर जाए जिसका परिणाम ये हो कि आपका नाम आपके क्षेत्र के वोटर लिस्ट में न शामिल हो पाए या वोटर आईडी आपको न मिल पाए। यकीन मानिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप घर बैठे अपना वोटर आईडी ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकेंगे। तो अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवाने, ट्रांसफर करवाने, कटवाने संबंधित सारी सर्विस का लाभ उठा सकेंगे और वोटर आईडी भी आपको आपके घर पर गूगल में सर्च करके ऑनलाइन वोटर आईडी सर्च कर लेंगे, जिससे हमारा इलेक्शन कमिश्नर मतदाता सेवा पोर्टल नेशनल वोटर सर्विसेज पोर्टल इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। इसके बाद आपको इस पोर्टल पे सबसे पहले आपको लॉगिन और रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद देखिए आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है, हमारे पास रजिस्टर नहीं है, रजिस्टर कर लेंगे। क्लिक करेंगे और हम रजिस्टर करेंगे, पहले मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर डाल के कैप्चा आप इंटर करेंगे। कैप्चा इंटर करने के बाद आप यहाँ पे सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से ओटीपी आ जाएगा और इंटर ओटीपी पे आप डाल के वेरीफाई कर देंगे। फिर बेसिक डिटेल आपसे पूछेगा, उसे डाल के आप रजिस्टर करेंगे और रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल देखिएगा गया। हमने आपका समय बचाने के लिए यहाँ पे इस प्रोसेस को जल्दी किया था। अब हम यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे, मतलब मोबाइल नंबर ही आपका यूजर आईडी है और ये पासवर्ड डालेंगे और फिर लॉगिन कर देंगे, और लॉगिन करते ही आपका इस तरह से पेज खुल जाएगा। यहाँ आप फ्रेश इंक्लूजन इनरोलमेंट पर क्लिक करेंगे। अगर आप स्थानांतरण कर रहे हैं तो सेफ्टी पर कर सकते हैं, हमारे केस में चूंकि नया इनरोलमेंट है तो हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। यहाँ आई रेसिडेंस इंडिया पर क्लिक कर देते हैं। उसके क्लिक करने के बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा कि आप इंडिया में किस स्टेट से हैं, अपना स्टेट आप चुन लेंगे। हमने यहाँ दिल्ली चुन लिया है और नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद आपकी एड्रेस डिटेल आपको यहाँ फिट करनी होगी, आपका जो भी पता है आप उसको डिटेल से यहाँ भर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर अपना पता भर दे रहा हूँ, और उस पता को भरने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। आपके एड्रेस में जो भी आपका मकान नंबर, वार्ड नंबर, गांव, मोहल्ला, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, सारी डिटेल आपको यहां पे भरनी है। जब आप खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था, उसका नन्हा सा आंचल मुझको भूमंडल से प्यारा था। उसके चेहरे की झलक देख चेहरा फूलों सा खिलता था, उसके आंचल की एक बूंद से मुझको जीवन मिलता था। हाथों से बालों को नोचा, पैरों से खूब प्रहार किया, फिर भी उस माँ ने पुचकारा, हमको जी भर के प्यार किया, मैं उसका राजा बेटा।
ये सारी डिटेल भरने के बाद आप इस पते पर कब से निवास करते हैं उसकी एक तारीख आपको यहाँ डालनी होगी। इसके बाद आपको एक अपना एड्रेस प्रूफ यहाँ अटैच करना होगा, जो एड्रेस प्रूफ आप पहले से स्कैन कर रखा है हमने, और टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स में बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, ये वाटर बिल, तमाम प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हैं। मैंने यहाँ बिजली का बिल यहाँ अपने कैंडिडेट का जिनका मुझे फॉर्म भरना है यहाँ पे अपलोड करूँगा। तो हमने यहाँ बिजली का बिल सेलेक्ट कर लिया है और बिजली का बिल हमें यहाँ पे अपना उनका अपलोड कर दे रहे हैं। और इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, नीचे आप आएंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ आपका बर्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना है, आपका डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। तो आप इसमें डेट ऑफ बर्थ के कॉलम में इसका डेट ऑफ बर्थ भर देंगे, फिर आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ होगा, जो भी विलेज जो जगह है और जहाँ आपका जन्म हुआ था उसकी डिटेल आपको भरनी होगी। तो आइए यहाँ ड्रॉप डाउन बॉक्स की सहायता से हम डेट ऑफ बर्थ भर लेते हैं। आपको दिखा देते हैं कैसे डेट ऑफ बर्थ को यहाँ फिल करना है। ईयर, मंथ और तारीख सेलेक्ट करके आप इस कैलेंडर के माध्यम से यहाँ पे इसे भर देंगे। इसके बाद आपको विलेज का नाम लिखना होगा। आप विलेज का नाम लिख दिया है, स्टेट यूपी, डिस्ट्रिक्ट मैंने वो सेलेक्ट कर लिया जिस जिले में उनका जन्म हुआ था, और इस तरह से हमने ये डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके उनका डाल दिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे, एक बर्थ सर्टिफिकेट, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र और पैन कार्ड जो भी हो, इसके साथ एक देखिए डिक्लेरेशन फॉर्म भी भर के आपको लगाना होगा। ये उसका फॉर्मेट है, वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। मैंने पहले से स्कैन करके रख लिया है ताकि आपका समय बचाएं। तो आप बर्थ के रूप में पैन कार्ड अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ पैन कार्ड अटैच कर दिया हमने और डिक्लेरेशन फॉर्म पे भी क्लिक करके मैंने डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करते ही आपके सामने विधानसभा का चुनाव करने का एक ऑप्शन आएगा। अपनी विधानसभा का आप यहाँ चुनाव करेंगे कि आप किस विधानसभा में अपना नाम डलवाना चाहते हैं। ड्रॉप डाउन बॉक्स से अपनी विधानसभा चुनने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना है, अर्थात आपका नाम और आपकी टाइटल वगैरह आप डालेंगे। आप अपना नाम अंग्रेजी में लिखेंगे, अपने आप आपका हिंदी में या क्षेत्रीय भाषा में जो भी होगा उसमें कर लेगा। उसके बाद यहाँ पिता का नाम वगैरह डालेंगे और उस नाम को, नाम का टाइटल आप इंटर करेंगे इंग्लिश में, और बाकी क्षेत्रीय भाषा में आपका अपने आप ले लेगा। फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको फोटो यहाँ अपलोड करनी है अपनी, और फोटो करके नेक्स्ट कर देंगे। फोटो अपलोड करने के बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ ऑप्शनल दिया हुआ है। यहाँ अगर आप डिसेबल हैं या स्पेशल नीडेड व्यक्ति हैं, जैसे मेरे मित्र विजुअली इम्पेयर्ड हैं, दृष्टि विकलांग हैं, तो मैंने वहाँ क्लिक कर दिया है। और मेल आईडी और मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे, ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन वैकल्पिक रूप से अगर आप इसे डालते हैं तो इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको इसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती रहेगी। यहाँ से आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद प्लेस का नाम डालना है आपको। जैसे मैं यहाँ पे रोहिणी दिल्ली में हूँ, तो मैंने यहाँ रोहिणी दिल्ली डाल दिया है और डेट अपने आप ऑटोमेटिक ले चुका है। और नेक्स्ट करते ही आप देखेंगे कि आपके सामने ये फॉर्म इस तरह से खुल जाएगा। आप इसको मिला के वेरीफाई कर लेंगे, अगर कोई त्रुटि होगी तो ठीक करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट कर देंगे। और देखिए मेरे सामने ये जनरेट हो गया है आईडी। मैंने आईडी छिपा दी है सुरक्षा कारणों से, लेकिन रेफरेंस नंबर यहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो इस प्रकार से आप घर बैठे अपना ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे और वोटर आईडी आपके घर पे ही डिलीवर हो जाएगी। यहाँ मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ कैसे आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैकिंग में यहाँ डाल के अगर इंटर करके अगर सबमिट करेंगे, आपको अपने आवेदन की ताजा स्थिति का पता भी लग जाएगा। यहाँ देखिए ताजा स्थिति दिखा रहा है, इस तरह से आप इसको चेक भी कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप देख रहे हैं मेरे हाथ में मेरी वोटर आईडी है, और ये वोटर आईडी मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद बीएलओ आपके घर पे इंस्पेक्शन करने आते हैं और इंस्पेक्शन की रिपोर्ट लगाते हैं। रिपोर्ट लगाने के बाद आपकी ये वोटर आईडी घर पे आकर बीएलओ पहुंचाते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर नीचे की बटन आपको रेड नहीं दिख रही है, इसका मतलब आपने पहले से ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। और अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार,
जय हिंद जय भारत।